अस्सलामुअलैकुम, आज मैंने पटेटो लॉलीपॉप्स बनाया है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं बट खाने में उतनी चीज़ी होते हैं, तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। पटेटो लॉलीपॉप्स बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 4 आलू को बॉईल कर मैश कर ले लिया है। कुछ वेजिटेबल्स को मैंने चॉप करके ले लिया है। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, एक कैप्सिकम लिया है, आधी कैबेज और थोड़े से गाजर लिए हैं और थोड़े से चॉप कोरिएंडर लीव्स है, ये भी इसमें चले जाएंगे। अब एक चम्मच चॉप गार्लिक डाल देंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट भी डाला है मैंने इसमें। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला जाएगा, एक चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालनी है और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। अब ये हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैं ब्रेड क्रम्स डालना पहले भूल गई थी तो मैं अलग से इसे ऐड कर रही हूँ, आप पहले ही ऐड कर सकते हैं। ये वेजिटेबल्स और आलू का मिक्सचर रेडी है। चलिए अब हम कोटिंग बनाते हैं। कोटिंग के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालनी है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है इसमें, और एक गिलास पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है इसमें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। देखिए कोटिंग की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विडी है। मैंने हाथों पर अच्छी तरीके से तेल लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे मिक्सचर का। अब हम इसको राउंड शेप देंगे। मैं यहाँ पर लॉलीपॉप्स बना रही हूँ इसलिए मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अब मैं इसे अच्छी तरीके से रोल करने के बाद हाथों में फ्लैट कर लूँगी और फिर मैं इसमें मोजरेला चीज़ डालूँगी। मोजरेला चीज़ डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आपके पास अगर मोजरेला चीज़ नहीं हो तो आप प्रोसेस चीज़ या दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। चीज़ डालने के बाद हमें इसे वापस से अच्छी तरीके से रोल कर लेना है। प्रॉपरली रोल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से सारे साइड से क्लोज कर लूँगी और फिर इसे एक शेप देना है। आप कोई भी शेप दे सकते हो, सिलेंडर या फिर राउंड ओवल, कोई भी शेप दे सकते हो। अब मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ले ली है एंड मैं इसे इसके अंदर लगा लूँगी और अभी हमें अच्छी तरीके से इसे वापस से शेप देना है। मेक श्योर कि हमारी जो आइसक्रीम स्टिक है इसके अंदर अच्छे से लग जाए वरना वो निकल जाएगी। ये इसी तरीके से मैं मेरी एक लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लूँगी और फिर उसी तरीके से सारी लॉलीपॉप्स हमें बना लेनी है। ये 8 से 10 बन जाती है उतने मिश्रण में। अब हम इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले जो हमने पेस्ट बनाया था उससे कोट कर लेंगे। सारे साइड्स को अच्छी तरीके से हमें कोट करना है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो जो चाय में हम बटर यूज़ करते हैं आप उसको भी क्रश करके ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। टेस्ट बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा ही देता है वो। अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे और सारी जगह से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से ये कोट हो चुकी है। अब हम सारे लॉलीपॉप्स को इसी तरीके से कोट करके ले लेंगे। आप इसे एयरटाइट बॉक्स में 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हमें इसे शैलो फ्राई करना है और एक एक करके हम हमारे लॉलीपॉप्स ऑयल में डाल देंगे। ये आप स्नैक्स में बना सकते हो या फिर जब गेस्ट आते हैं तभी भी आप सर्व कर सकते हो, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है और इजीली बन भी जाती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।